20 डेज प्लेस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में आज हम आगे बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में और डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है और 20 डेज प्लेस में अपन केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और कई सारी चीजें केमिकल काइनेटिक्स की अपन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है भाई? मॉलिक्युलरिटी को बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर कहें कि एक सिंपल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं आपस में, तो वही उसकी क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी होगी। अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी। 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं मतलब उसकी मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाएगी। तो मॉलिक्युलरिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्युलरिटी इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन इन सिंपल रिएक्शन। किसी भी सिंपल रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, कितने रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वही मॉलिक्युलरिटी है। जैसे कि इस रिएक्शन को देखो, H2 plus I2 gives 2HI। अब जैसे ही इस रिएक्शन को देखोगे आपको क्या पता चलेगा कि हाइड्रोजन H2 एक मॉलिक्यूल है, I2 भी एक मॉलिक्यूल है, मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और आयोडीन का एक मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। मतलब कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। मतलब इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? 2 है। अगर कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने किस तरह से देखा था कि रेट लो जब आप लिखते थे, जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर बनती थी उन्हें जब आप ऐड करते थे तो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता था। तो उसी को अपन ने वर्ड्स में लिख दिया है। किस तरह से? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लो। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म थे रेट लो में उनकी जो पावर थी उनका अगर आप समीशन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। जैसे कि समझे कि आपके पास एक रिएक्शन है, A plus B gives product, इसका अपन ने रेट लो लिया R equal to K, A की पावर 2 और B की पावर 1, मतलब अब आपको क्या करना है, 2 plus 1 को ऐड करना है, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? 2 plus 1 equal to 3। अब थोड़ा सा देखो कि जो ऑर्डर ऑफ जो मॉलिक्युलरिटी है, इसमें आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा क्या? कुछ नहीं करा, मतलब आपने देखा और बता दिया भाई कि इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप देखकर बता सकते हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख के नहीं बता सकते। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख के नहीं बता सकते कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होने वाला है, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तब जाके ये डेटा आएगा आपके पास, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, आपने देखा है भाई। ठीक है, तो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहता है वो आपका एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि जीरो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है भाई। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती कि ऐसा कि आधा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। वहीं आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात आए तो आपको दिमाग में पहले डेफिनेशन, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ये जीरो फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है, अगर इतना सा ध्यान है तो मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो बेसिकली यही आपको ध्यान रखना है और इस तरह का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।